आपण नागपुरात जातोय थेट, अमित शहा तिथे बोलताय. जी नागपूर की जनता के लिए लेकर आए हैं, किसी को अब कैंसर के इलाज के लिए मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मित्रों, IIM जब शुरू हुआ तब लगता था कि ये कब समाप्त होगा, आज वो वास्तविकता होकर हमारे सामने पड़ा है. टूरिस्ट के टूरिज्म के नक्शे पर नागपुर को 100 करोड़ की लागत से बुद्धिस्ट सर्किट के नक्शे पर रखने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है. और नितिन जी विकास के मामले में इतने पक्के आदमी है कि भारतीय खेल प्राधिकरण से सिर्फ नागपुर शहर के अंदर 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ के युवाओं के लिए लेकर आने का काम भी नितिन गडकरी ने किया है. डॉक्टर आंबेडकर जी की दीक्षा भूमि के लिए और 100 करोड़ रुपया सिंचाई प्रकल्प के लिए, गोखीकुर्द के लिए लगभग 47,000 हेक्टर भूमि की सिंचाई बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आपके सांसद नितिन गडकरी ने किया है. नाग नदी की सफाई के लिए 1500 करोड़ रुपया, इसके अलावे किसान उपज प्रक्रिया के लिए मोरसी में कोका कोला संतरा का कारखाना, नागपुर में पतंजलि का संतरा और आंवला का कारखाना और लगभग 4.5 लाख जो बिजली कनेक्शन हुए, इसमें से 1.5 लाख बिजली कनेक्शन विदर्भ में हुए. रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे 28,000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा. फ्लाईओवर और नेशनल हाईवे के लिए 6448 करोड़, शहर में नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए 6,000 करोड़, मेट्रो का चालू हो जाना, रामजुला फेज 2 को 2 साल के अंदर पूरा करना, ढेर सारे विकास के काम. मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, आपके जितने भी सांसद रहे हैं इसकी विकास की सूची एक बार ला दीजिए और हमारे गडकरी साहब का 5 साल का विकास ले लीजिए. हमारा कोई बच्चा भी साबित कर देगा कि विकास के मामले में आगर हुए. मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने महाराष्ट्र के विकास के लिए भी ढेर सारे कदम उठाए हैं. यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, शरद राव भी मंत्री थे. यूपीए की सरकार ने 13th फाइनेंस कमीशन में महाराष्ट्र को 1,15,000 करोड़ दिया था. कितना दिया था जोर से बोलो भाई, और जोर से बोलो, शरद राव को सुनाई पड़ना चाहिए. और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14th फाइनेंस कमीशन में 1,15,000 करोड़ से बढ़ाकर 4,38,760 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के लिए देने का काम. मित्रों, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार चल रही है वो विकास के नक्शे पर फिर से एक बार महाराष्ट्र को देश में सबसे ऊपर लेकर आएगी. मेरे पास बहुत समय नहीं है मित्रों, मुझे ओडिशा जाना है. देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जो काम किए हैं नितिन जी आराम से आपको बाद में बताने वाले हैं, मगर मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि यहां पर विकास के काम इतने हुए कि नागपुर में कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिला तो बाहर से आयात करना पड़ा है, बाहर से उम्मीदवार लाना पड़ा है. विलास मुतम्मेवार यहां पर 4 बार खड़े रहे मगर कांग्रेस 4 बार जीते, मगर कांग्रेस को उम्मीदवार न मिले, ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में कांग्रेस की है. मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारी चीजें कल अपने घोषणा पत्र के अंदर वादे किए हैं. हमने तय किया है कि देश भर के किसानों को 1 लाख तक का ऋण 5 साल तक
0% ब्याज पर ब्याज मुक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने जा रही है। छोटे किसानों को 60 साल के आयु के बाद हम पेंशन देने जा रहे हैं, और किसान सम्मान योजना जो अब तक सिर्फ छोटे किसानों के लिए थी, 6000 रुपया जो देते थे वो सभी किसानों को, बड़ा हो छोटा हो मझला हो, सभी किसानों को 6000 रुपये का समर्थन अब नई सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की बनेगी वो देगी। छोटे व्यापारियों को भी 60 साल की आयु के बाद पेंशन देने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो सभी व्यापारियों को 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा केंद्र सरकार के खर्चे से व्यापारियों का उतारा जाएगा। छोटे व्यापारियों को पेंशन देना, 40 लाख से नीचे जिनका टर्नओवर है उसको जीएसटी से मुक्ति देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 60 लाख से नीचा जिनका टर्नओवर है उनको इनकम टैक्स नहीं भरना है। 5 लाख से नीचे जिनकी इनकम है वो व्यक्तियों को भी इनकम टैक्स नहीं भरना है, और अगड़े समाज के लोग, बच्चे जिनको कभी आरक्षण नहीं मिलता था, रिजर्वेशन नहीं मिलता था, वो अगड़े समाज के सभी बच्चों को, गरीब बच्चों को 10% रिजर्वेशन नरेंद्र मोदी सरकार शिक्षा और एडमिशनों के अंदर नौकरियों में देने वाली है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे वादे किए हैं। नेशनल हाईवे को दोगुना बनाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के 50 लाख तक के लोन पर कोई गारंटी नहीं मांगेंगे, सभी रेलवे को ब्रॉडगेज बनाएंगे, सभी रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए, मगर सबसे बड़ा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, 10 साल तक ये यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, और 10 साल तक ये आलिया मालिया जमालिया देश में घुसकर जवानों के सर काट कर ले जाते थे, अपने जवानों के सर को अपमानित करते थे, कोई जवाब नहीं दिया जाता था। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, अभी पुलवामा पर पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने हमला किया, अपने 40 जवान शहीद हो गए, पूरे देश भर के अंदर हताशा, गुस्सा, निराशा, ये क्या हो गया, अब क्या होगा। मगर इन बाबा अमित शाह यांची नागपुरामध्ये ही सभा सुरू आहे, आणि ज्या सभेमध्ये त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचं जे मोदी सरकार आहे दिल्लीतलं, त्या सरकारनं गेल्या 5 वर्षांमध्ये नेमकी काय कामं केली आणि येणाऱ्या 5 वर्षात त्यांचं व्हिजन काय आहे याच्याबद्दलची आपली भूमिका जी आहे ती त्यांनी मांडलेली आहे। तेव्हा नागपुरात काँग्रेसला उमेदवार आयात करावा लागला, त्यांना उमेदवार मिळाला नाही, त्यांना बाहेरून उमेदवार घेण्या इतकी परिस्थिती त्यांची दयनीय झाल्याचं देखील त्यांनी टोला जो आहे तो काँग्रेसला लगावला। देशभर में खुशी का माहौल था, दो जगह मातम छाया, दो जगह पे छातियां पीटने लगे लोग, एक तो पाकिस्तान में, वो तो बराबर ही है, उन पर हमला हुआ था, इनकी तो नानी मर गई थी, और दूसरा राहुल बाबा इस पार्टी में भी मातम छाया, वो भी हर ये शाम पिटोड़ा बोलने लगे, क्यों बम गिरा रहे हो, बातचीत करो, 5-6 लोग गलती करते हैं तो देश पर बम नहीं गिराते हैं, मुझे बताओ नागपुर वालों, 40 जवानों को जो मार दे वो आतंकवादियों को बम से उड़ाना चाहिए या नहीं उड़ाना चाहिए, जोर से बोले उड़ाना चाहिए नहीं उड़ाना चाहिए। अरे राहुल बाबा, आपको आतंकवादियों के साथ इलू इलू करना है तो कर लो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहां वहां से गोली चलेगी, यहां से गोला चलेगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाता है। और मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी को शर्मानी चाहिए,
सारे लोग असीमानंद जी समेत निर्दोष छोड़ दिए। कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। मैं कहना चाहता हूं जिस कांग्रेस पार्टी ने जिस सिन्ने जी ने जो चिदंबरम ने और राहुल बाबा ने स्वयं हिंदू टेरर भगवा टेरर कर दुनिया में पूरी दुनिया में हिंदू समाज समुदाय को बदनाम करने का काम किया। वो हिंदू समुदाय जो चींटी हमें काटती है उसको भी जिंदा रहने के लिए हर रोज हमारी माताएं बहने आटा खिलाती है, वो हिंदू समुदाय कभी टेररिस्ट हो सकता है? आपकी ओझी राजनीति करने के लिए हिंदू टेरर का मुद्दा उठाया, आज कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कोर्ट ने कहा हिंदू टेरर जैसी कोई बात नहीं है, ये राजनीतिक षड्यंत्र। मैं नागपुर की भूमि पर से राहुल गांधी से जवाब मांगना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में आपने हिंदू समुदाय को बदनाम किया है, आपको चाहिए चुनाव के पहले समस्त देश के हिंदू समुदाय की आप माफी मांगनी चाहिए, मगर वो कभी नहीं मांगी। तो ये इनकी फितरत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं अभी अभी कश्मीर के अंदर कांग्रेस और एनसी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ हुआ। अभी अभी एनसी के एक प्रत्याशी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, कांग्रेस पार्टी चुप। अगर हमारा कोई साथी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, इलेक्शन हारे या जीते, दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी उसे गठबंधन तोड़कर मुक्त कर दे। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीर के अंदर अलग प्रधानमंत्री। क्यों भाई, कश्मीर को पिताजी की भूमि मानते हो? कान खोल कर सुन लो राहुल बाबा उमर अब्दुल्ला जी, हम सरकार में रहे या विपक्ष में, अभी तो हम सरकार में आने वाले हैं, विपक्ष में भी रहे जब तक भारतीय जनता पार्टी है, कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा और हमें मानते हैं, इसीलिए हमारे घोषणा पत्र के अंदर हमने कहा है धारा 370 को उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए, 35A को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और ये राहुल बाबा अपने गठबंधन के लिए